ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने साइकिट लर्न का काफ़ी कुछ देख लिया। अब हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता साइकिट लेगो की तरफ जा रहे हैं और उसके भी इंटरेस्टिंग फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में थ्रेशोल्डर का फंक्शन देखा, जिसकी बड़ी अपनी सिग्निफिकेंस है। अब हम इसी तरह इसके अंदर और चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं कि साइकिट लेगो के अंदर क्या कुछ पड़ा होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको मिसाल तौर पर यहाँ पे दिखा दूँ कॉलम सिलेक्टर, और हम ग्रुपिंग को भी यूज़ करेंगे जो कि साइकिट लेगो में है, उसको हम इम्पोर्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे आपको पहले हम इसको समझते हैं कि यहाँ पे इसकी कोडिंग क्या है, फिर हम जाते हैं कि ग्रुपिंग मॉडल इन इटसेल्फ होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेटा सेट एक लोड कर लेते हैं। साइकिट लेगो के अंदर एक डेटा सेट है लोड चिकन के नाम से, ठीक है, जिसका लोड बॉस्टन आप यूज करते हैं, इसी तरह लोड चिकन को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखें इसमें हमारे पास क्या है, इस डेटा सेट में हो क्या रहा है। इस डेटा सेट पर थोड़ा फोकस करें ना, तो वेट है, टाइम है, चिक है और डाइट है, यानी कि मुर्गी का वेट विद टाइम कितना बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो डाइट है ना, यहाँ पे कभी लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, कभी 2 लिखा हुआ है, कभी 3 लिखा हुआ है, और इसमें 4 है। अगर मैं इसका वेरिएबल्स में जाके इसका डेटा फ्रेम खोलूँ, क्योंकि पहले डेटा को समझना जरूरी होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखें इसमें हमारे पास डाइट्स हैं। इस डेटा सेट का मकसद ये है कि पहले एक मुर्गी को हम डाइट 1 देंगे, फिर उस पर उसका असर चेक करेंगे कि डाइट 1 देने से इसका वेट टाइम कितना वेट बढ़ा, फिर दूसरी डाइट देंगे यानी दूसरी तरह की खुराक देंगे, फिर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे अच्छा उस मुर्गी पर डाइट 2 का कितना असर है। लाइक हम वेट टाइम चेक कर रहे हैं कि डाइट्स किस तरह बढ़ी। आप इस डेटा सेट पर फोकस करें ना कि चिक 1 यानी चिक 1 को पहले हमने क्या दी, डाइट 1 दी, और फिर हम उसका वेट चेक करें। पहले उसका 42 था, फिर 51, फिर 59, और यहाँ पे टाइम भी गुजर रहा है साथ साथ, फिर 93, और इसमें बढ़ता गया है 205 तक चला गया 42 से, ठीक हो गया। फिर हम आगे गए, हमने क्या किया वही डाइट 1 चिक 2 को दिए, तो उसका भी 40 से बढ़ता गया 215 तक चला गया, ठीक है। अब फिर हम इसी तरह क्या कर रहे हैं कि ये डाइट 1 को मुख्तलिफ मुर्गियों पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमने वो कितनी मुर्गियां हैं टोटल हमारे पास, इसमें इसमें कोई हमारे पास 50 मुर्गियां हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं सबको डाइट, कभी डाइट 1 दे रहे हैं, कभी डाइट, मतलब हम डाइट दे के इनका वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। इस डेटा सेट में बेसिकली ये हो रहा है। और एस फ्रेम को ट्रू का मतलब ये है कि आप तो रिटर्न जो है वो एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में हो, ठीक है, मतलब बगैर डेटा फ्रेम की फॉर्म में ना, सही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, हमारी एक ज़रा कॉम्प्लेक्स सी पाइपलाइन है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है, समझ जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए हमने क्या कि एक बड़ी पाइपलाइन बनाई है, ठीक है, उसमें हमने फीचर यूनियन दी है। अच्छा, अब फीचर यूनियन में क्या हो रहा है ये अभी हम समझते हैं, लेकिन पहले हम इंटरनल इंटरनली समझते हैं डेटा को। जो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम सिलेक्टर, ये चीज नई आई हुई है, मतलब ये हमने पहले नहीं देखी थी। कॉलम सिलेक्टर क्या करता है कि बेसिकली डेटा में कॉलम की नेम की बेस पे उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता है। सिंपल इसके नाम से जाहिर है कॉलम सिलेक्टर, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे डेटा में एक डाइट का कॉलम था ना, तो बस अब ये, और यहाँ पे देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैब, लिखा है कि ग्रैब यानी कि ये इस डाइट वाले कॉलम को इसने ग्रैब कर दिया उसकी नेम की बेस पर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास वो वाला डेटा है जिसमें हमारे पास क्या होता है मेल फीमेल, ये इस यानी कि हमारे पास ये कैटेगरी वाला है, क्योंकि हमारे पास कितनी है, डाइट 1 है, डाइट टाइप 1 है, डाइट टाइप 2 है, डाइट टाइप 3 एंड डाइट टाइप 4 है, ठीक है। ये हमारे पास 4 टाइप्स है डाइट, जिसमें ये कॉलम सिलेक्टर ये ग्रैब मैंने इसलिए लिखा है कि ये ग्रैब करे। फिर मैंने क्या करे इस पे 1 हॉट इनकोडिंग कर दिए, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास वो कंटिन्यूस डेटा तो नहीं है ना, मतलब कंटिन्यूस डेटा जिसमें टेम्परेचर होता है, तो ये तो इस तरह है, मतलब डाइट टाइप 1, डाइट टाइप 2, डाइट टाइप 3, डाइट टाइप 4, इसकी मैंने क्या कर दी, 1 हॉट इनकोडिंग कर दी है, ठीक है। अब हम क्या किए, फिर हमारे पास एक दूसरी यहाँ यहाँ तक आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब और यहाँ पे लिखा हुआ भी डिस्क्रीट है, क्यों, क्योंकि ये डेटा तो हमारे पास डिस्क्रीट है ना, 1 डाइट टाइप 1 2 3 नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक पाइपलाइन बनाई है जो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर खत्म हुई है, तो यानी कि इसका क्या मकसद था, ये एक डिस्क्रीट डेटा के लिए ये पाइपलाइन बनाई गई है, ठीक है। इस पाइपलाइन में क्या है, डिस्क्रीट वाला कॉलम रखती है। अब एक दूसरी पाइपलाइन पे जाते हैं, ये कंटिन्यूस का है, कंटिन्यूस के लिए एक अलग पाइपलाइन बना दिए।
इस पाइपलाइन में क्या पड़ा, कॉलम सिलेक्टर के बेस पे टाइम है, टाइम हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लाइक डेसिमल नहीं आए, लेकिन होता टाइम इट सेल्फ कंटिन्यूस है, और ये कंटिन्यूस इस वजह से भी है क्योंकि आप देखें ना हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है, उस फॉर्म में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसकी कंटिन्यूस डेटा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसको हमने क्या कह दिया, स्टैंडर्ड स्केलर इस पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिस्क्रीट की पाइपलाइन बनाई है और एक कॉन्टिन्यूस की पाइपलाइन बनाई है, दो पाइपलाइंस बनाई है। अब इन दो पाइपलाइंस को मैंने फीचर यूनियन में इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। फीचर यूनियन क्या करता है, बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मर्स की लिस्ट लेता है, ट्रांसफॉर्मर्स आप लोगों को पता है हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की एक लिस्ट ले लेता है, और यानी कि आप समझे कि इसने क्या किया, एक किस्म का दोनों पाइपलाइन को अपने अंदर लाइक अपने इसके अंदर आ चुकी है, तो और फिर इसको क्या किया हमने एक बड़ी पाइपलाइन में डाल दी है, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको शो करूं तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं एक पेंसिल मैंने सिलेक्ट कर लूं, तो फीचर यूनियन हमारे पास देखें यहाँ पे कर क्या रहा है, मैंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, हमारे पास क्या करे फीचर यूनियन जो है ये हमारे पास डिस्क्रीट को अलग ले रहा है यहाँ पे, ठीक है, और एक क्या कर रहा है कंटिन्यूस डेटा को अलग ले रहा है, ठीक है। इन दोनों को लेके इस पर ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या कर रहा है, आखिर में हमें एक फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट किसकी, फीचर पाइपलाइन की शक्ल में हमारे पास ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये फीचर पाइपलाइन में इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप फीचर पाइपलाइन पर, ठीक है, ये एक आ गया, और फिर हमने इस पे लीनियर रिग्रेशन लगा दिए और इसको एक अलग पाइपलाइन में डाल दिए, ठीक है। और ये मैंने इसको क्या किया, पाइप नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा दिया। फिर मैंने इसको एक फंक्शन में पास किया के प्लॉट मॉडल पाइप, ठीक हो गया, बात समझ आई। अब यहाँ पे जब मैंने इसको पाइप पे गुजार दिया, फिर मैंने इसको एक फंक्शन में पास कराया प्लॉट मॉडल। अब यहाँ पे फंक्शन पे जाते हैं, ये हमारे पास वो फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा यहाँ पर, ये कुछ आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि ये फंक्शन यहाँ पे डिफरेंट काम क्या हो रहा है और रिग्रेशन से हमारे पास। पहले मैं अब आपको यहाँ पे लाइन दिखा, आपको इसको रन करता हूँ आपके लिए, आपको फिर ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये देखें हमारे पास चार लाइनें बन गई है, हम जब भी लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं हमारे पास एक लाइन आती है, यहाँ पर देखिए हमारे पास कितनी आ रही है, एक दो तीन चार, चार लाइनें आ रही हैं। तो ये भी ये चार लाइनें क्यों आ रही है, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उससे ही आपको बात मेरी समझ आएगी। हम यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं, वो ये कि हम जब एक लाइन लगाते हैं पूरे डेटा में, तो आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास जो मीन स्क्वेयर एरर आर स्क्वेयर एरर है ये हमारे पास जो है ज्यादा आता है, तो सो इस इट मीन्स कि हमारे डेटा की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक ग्रुप बनाएं, ठीक है, एक ग्रुप में जी से उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और मैं ऐसा करता हूँ कि एक क्या करता हूँ डाइट वन, हमारे पास डाइट में आपके पास क्या पड़ा हुआ था, डाइट में आपके पास एक वन डाइट थी, एक टू डाइट थी, एक थ्री डाइट थी और एक फोर डाइट थी, ठीक है। तो हम क्यों ना एक लाइन लगाने के बजाय हर डाइट के लिए अलग अलग मॉडल बनाएं और हर एक के लिए अलग अलग लाइन बने, तो आप सोचो उससे एक्यूरेसी कितनी बेहतर आएगी, लाइक यानी काफी बेहतर होगा ना कि हर जो डाइट है डाइट वन पे जितना वेट बढ़ रहा है उसके लिए अलग लाइन बनाई जाए, डाइट टू पे जिस तरीके से वेट बढ़ रहा है उस पर अलग लाइन बनाई जाए, डाइट थ्री जितना वेट बढ़ा रहा है हर एक के लिए अलग अलग मॉडल हो, ठीक है। यहाँ पर ये जो है मतलब अप्रोच अपनाई गई है, दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच, क्यों, क्योंकि इसमें आपका एरर कम से कम आएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू कि हम इसको एक ही लाइन लगाएं तो उसमें एरर का चांस ज्यादा है। तो मेरा ख्याल में अभी इस वीडियो के लिए यहाँ पे इसको इतना रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चार लाइनें लगा किस तरह लाए प्लॉट मॉडल प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल के फंक्शन में जब हम पाइपलाइन पास करते हैं तो ये काम कर कैसे रहे। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहे, वो बहुत जरूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज।